इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CBSE 2020 12th केमिस्ट्री के पेपर में आने वाले पॉसिबल क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम देखते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर एक है। सेक्शन नंबर एक पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको पढ़कर हमें पांच क्वेश्चंस का जवाब देना है। इसमें कहता है लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी सेल है जिसमें लेड का एनोड और PVO2 का कैथोड बनाते हैं और इसकी वर्किंग के लिए हमें इसमें 38% मतलब 38% सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जिसकी डेंसिटी 1.294 ग्राम पर ml होती है। बैटरी में करीब 3.5 लीटर 3.5 लीटर एसिड होता है और जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो H2SO4 की डेंसिटी डिक्रीज करके 1.139 ग्राम पर ml रह जाती है और मास परसेंटेज उसका 20% H2SO4 बाय मास रह जाता है। तो हमें यहाँ पर इन पांच क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। हम इसमें कैथोड बनाते हैं PVO2 का और PVO2 का कैथोड इसलिए बनाते हैं क्योंकि PVO2 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये फौरन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर PV+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम PVO2 की रिएक्शन कराते हैं तो एच सल्फेट आयन और H+ की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और PVSO4 और 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इसी में बच्चों वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि अगर एनोड की रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा पीवी यहाँ पर रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, सल्फेट से, यहाँ पर रिएक्ट करेगा सल्फेट से और सल्फेट से रिएक्ट करके हमको वो देता है PVSO4, वो हमको देगा PVSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये रिएक्शन तब होगी जब वो हमसे एनोड की रिएक्शन पूछेगा क्योंकि उसने हमसे सिर्फ कैथोड की पूछी है, तो कैथोड की रिएक्शन ये होगी। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ PVO2। 1 मोल PVO2 को PVSO4 में कन्वर्ट करने के लिए हमें टोटल कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने रिएक्शन में देखा, रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हुए हैं, इसलिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 फेराडे, ठीक है। अब वो हमसे पूछता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी डिस्चार्ज से पहले क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखकर बताता हूँ। तो हम देखते हैं, हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिख लिया है। मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या होता है कि अगर हमको वो मास परसेंटेज दे तो मास परसेंटेज बच्चों जब भी देगा तो 38% का मतलब होगा 38 ग्राम H2SO4 100 ग्राम में प्रेजेंट। अब हमें तो वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम की जगह हम मास अपॉन डेंसिटी रखेंगे। मास अपॉन मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 100 ग्राम। तो 100 से जब हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो 10 रह जाएगा और डेंसिटी ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। या फिर हम इसी फॉर्मूले को चेंज करके इसमें बदल लेंगे, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है m/d, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करने के लिए हमने मास वेट ऑफ सल्यूट की जगह पर 38% रख दी। डेंसिटी हमको गिवन ही है 1.294 रख दी, 1000 की जगह 1000 रख दिया, H2SO4 का मोलर मास 98 होता है और m 100 होगा। इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद में हमें इसकी मोलैरिटी 5.02 मोलर मिल जाएगी। तो इसकी मोलैरिटी हो गई 5.02। हम चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। लेड स्टोरेज बैटरी इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सेल। बाय सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसको रिचार्ज कर सकते हैं इसलिए सेकेंडरी सेल, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बना कि अगर हम डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करें, डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं
डाइल्यूट H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस कर ले। तो H2SO4 के जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा कि H2SO4 टूट जाएगा और टूटकर बच्चों क्या बनाएगा, टूटकर ये बनाएगा H2SO4 से 2H+ और सल्फेट। अब कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे हमारा जाएगा बच्चों H+ और ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आया कि एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे हमारा जाएगा कौन, सल्फेट। अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके काम आ सकती है कि सल्फेट और नाइट्रेट कभी भी एनोड पर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। जब ये ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं इनकी जगह पर H2O को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और एनोड पर बना देते हैं O2 और 2H+ और दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा कि एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एनोड पर O2 निकलेगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हमारा पैराग्राफ का क्वेश्चन हो गया है, हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। नेम द सब्सटेंस यूज एज डिप्रेसेंट इन द सेपरेशन ऑफ टू सल्फाइड और इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये NCERT के मेटलर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है और आई थिंक ये क्वेश्चन 6th या 7th है। तो जब भी हमें दो सल्फाइडों को अलग करना हो तो हम उसमें सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड को डालते हैं जो एक सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है। एग्जाम्पल ZnS और PbS को अगर हमें अलग करना हो तो हम ZnS और PbS के मिक्सचर में जब NaCN को मिला देते हैं तो ZnS NaCN के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाकर सॉल्युबल हो जाता है और लेड सल्फाइड फ्रोथ में आ जाता है। इस तरह हम दो सल्फाइड और को अलग कर सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ साइनाइड। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की। नेम द यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन पोजीशन ऑफ सुगर इन न्यूक्लियोसाइड। तो बच्चों इसकी कहानी क्या है कि जब नाइट्रोजन बेस और सुगर आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है और जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोरिक एसिड भी मिल जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। नेम द स्पीसीज फॉर्म्ड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जितने भी अमीनो एसिड है वो सॉल्यूशन में हमेशा ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ज्यूटर आयन का मतलब होता है कि आयंस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो 8th क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्यूटर आयन। हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप रिएक्शन अकर इन फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6,6 पॉलीमर। नायलॉन 6,6 पॉलीमर एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो जब हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड की आपस में रिएक्शन करते हैं तो NH2 और COH के कंडेंसेशन से H2O निकल जाता है और हमको मिलता है नायलॉन 6। तो हमारे 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ कि 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन देने के लिए कंपाउंड एक तो एल्डिहाइड होना चाहिए और उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा इन सारे ही बेंजल डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड में, सभी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए बेंजल डिहाइड ही कैनिजारो रिएक्शन देगा। अगर आप 12th के ही बच्चे हैं तो आप केवल इतना भी याद रख सकते हैं, बेंजल डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दो ही हमारे सिलेबस में हैं जो मोस्टली कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो हमने 1-1 वर्ड वाले 5 क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम चलेंगे
11 से लेकर 15 तक हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें चार चॉइस गिवन है और एक चॉइस का आंसर सही होगा। ओके तो हमने देखा ये हमारे पास कंपाउंड है और हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है। अब नॉमेनक्लेचर में इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, हमने देखा डबल बॉन्ड को वन नंबर देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ वन दें तो ये टू हो जाएगा और अगर यहाँ वन दें तो ये वन हो जाएगा। तो हम इसकी नंबरिंग क्लोरीन से ही स्टार्ट करेंगे। तो वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसका नेम हो जाएगा वन क्लोरो थ्री ब्रोमो, पर ब्रोमो पहले आएगा क्यों, अल्फाबेटिकल बी पहले आता है। तो थ्री ब्रोमो वन क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, इसका मतलब हुआ सी इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी। तो हम चलेंगे इसके बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ। हम ट्वेल्थ क्वेश्चन में देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और जिसमें ये क्या कहता है कि जब हम कोबाल्ट Cl3 और 5NH3 की रिएक्शन AgNO3 के साथ में कराते हैं, AgNO3 के साथ में कराते हैं तो हमें 2 मोल AgCl के मिलते हैं, 2 मोल AgCl के मिलते हैं। इस बात से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो हमने देखा कि किसमें 2 क्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं, 2 क्लोराइड आयन इस सेकेंड में प्रेजेंट है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। और एक और तरीका है जो फंडामेंटल या कंसेप्चुअल है, कोबाल्ट की मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, ठीक है ना। तो कोबाल्ट से हम 6 लिगेंड को ही जोड़ सकते हैं अंदर। अब पहले न्यूट्रल लिगेंड जाते हैं अंदर जोड़ने के लिए, तो 5NH3 अंदर चले गए लेकिन 6 नहीं हुए, तो हमने 3Cl में से 1Cl को बाहर अंदर भेज दिया और 2 को बाहर। इसलिए जब इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ में कराएंगे तो हमको 2 मोल्स AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन। हमें यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स गिवन हुए और तीन कॉम्प्लेक्स जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं वो भी सामने दिए हुए हैं। हमने देखा कोबाल्ट NH3 6 475 नैनोमीटर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, कोबाल्ट CN6 310 और कोबाल्ट H2O6 490 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अब कंसेप्ट यह है कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो उतने ही लोअर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें इसकी टेबल देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि साइनाइड ही सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, इसलिए इसका आंसर बच्चों फिर से बी हो जाएगा। तो 12th का आंसर भी बी था और 13th का आंसर भी बी हो जाएगा। हम चलेंगे 14th। जब हम 14th क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो हमको कहता है इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम वाटर में ब्रेक करें तो कितने आयंस पॉसिबल हैं। तो अगर हम इसको पानी में या सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट सिंगल आयंस की तरह बिहेव करता है। तो एक ब्रैकेट तो सिंगल आयन हो गया और उसके बाहर बच्चों कितने Cl अटैच दिख रहे हैं, तो बच्चों आपको दिख रहे होंगे 3Cl, तो 3 निगेटिव Cl बनेंगे और एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो टोटल आयंस की नंबर 4 हो जाएगी। तो अगर इसमें खाली एनायन पूछता तो इसका आंसर बी होता और कैटायन पूछता तो सिर्फ 1 होता, क्योंकि उसने टोटल आयंस पूछे हैं, इसलिए इसका आंसर 14th का ए हो जाएगा। हम चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ और 15th क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि LDPE के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। LDPE का मतलब है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और लो डेंसिटी पॉलीथीन या सारे ही एडिशन पॉलीमर है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है और इसमें परोक्साइड को एज ए इनिशिएटर यूज करते हैं। तो परोक्साइड ठीक हो गया, फ्री रेडिकल से बनता है ये भी ठीक हो गया, और ये लीनियर पॉलीमर है ये भी ठीक हो गया। तो गलत क्या हुआ, गलत हुआ इट इज़ फॉर ऑब्टेंड बाय हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। किसी भी एडिशन पॉलीमर में कभी भी कोई एटम निकलता ही नहीं है, इसलिए इसका सी आंसर रॉन्ग है। अब हम चलेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जो एसर्जन और रीजन पर बेस्ड है, जिसमें हमें एक एसर्जन दिया जाएगा, अगर वो करेक्ट हुआ
और उसका स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ तो आंसर ए हो जाएगा। अगर दोनों ही करेक्ट हैं लेकिन एक दूसरे के रीज़न नहीं है तो बी आंसर हो जाएगा। अगर एसर्जन करेक्ट है और रीज़न रॉन्ग स्टेटमेंट है तो सी हो जाएगा, और अगर एसर्जन रॉन्ग है और रीज़न करेक्ट है तो डी स्टेटमेंट हो जाएगा। हम चलते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ जो एसर्जन और रीज़न के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या कहता है कि ये बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है। टू स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है 22, 24, 25 के आसपास दिया हुआ है और उसमें कहता है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इस बात को आप एक्सप्लेन करो। ठीक है ना, इस बात को आप एक्सप्लेन करो। अब रीजन दे रखा है कि इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं दो स्पेसिफिक पेयर के बीच में, जो गलत है। इस डाइसल्फाइड की जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एसर्जन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है, इसलिए 16th का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म ऑक्सिम एंड ऑल्सो एड ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रेट। साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइड की रिएक्शन है जो ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सिम बनाता है। अब इसका रीजन क्या देता है कि नीचे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब कार्बोनिल ग्रुप। इसका मींस क्या हुआ कि एसर्जन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो बच्चों 17th क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। हम चलेंगे अब 18th। हम चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन में कहता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है, जो पी ब्लॉक का क्वेश्चन है और जो गलत है। हाइड्राइड की एसिडिक नेचर ग्रुप में और पीरियड में दोनों में ही इंक्रीज करती है, इसलिए ये एसर्जन गलत है। और इंक्रीज इसलिए करती है कि नीचे जाने पर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है। इसका मतलब हुआ रीजन सही है। तो जब एसर्जन रॉन्ग हो और रीजन सही हो तो आंसर डी होता है। तो 18th का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? डी। अब हम चलेंगे 19th की तरफ। तो जब हम 19th क्वेश्चन में देखेंगे क्या कि ये हमको कहता है कि अल्कोहल इज ए बीकर बेस देन फिनॉल। अल्कोहल इज ए बीकर बेस देन फिनॉल, ठीक है ना, बट स्ट्रॉन्गर न्यूक्लोफाइल देन फिनॉल। ये रॉन्ग बात है, क्योंकि अगर हम इसको मान लें कि एथेनॉल बीकर बेस है तो इसका मतलब हो जाएगा एथेनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनॉल से, जो रॉन्ग है। तो एसर्जन रॉन्ग है। अब देखते हैं रीजन क्या है। इन फिनॉल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन विड्रॉन टूवर्ड द रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ये एकदम सही बात है। तो 19th का आंसर भी डी हो जाएगा। अब हम चलेंगे 20th क्वेश्चन में क्या कहता है। एसर्जन स्टेटमेंट क्या है कि एराइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज। इसका मींस है आसानी से। इस क्वेश्चन में वो हमको कहता है कि एराइल हैलाइड में से क्लोरीन आसानी से निकल जाता है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हैलोजन कभी भी रिमूव नहीं होता है, ठीक है ना। और उसका रीजन क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग के साथ में हैलोजन जुड़ा होता है वो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर अराइज कर लेता है, डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर लेता है, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और क्लोरीन या किसी भी हैलोजन का निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 20th क्वेश्चन का एसर्जन रॉन्ग है लेकिन रीजन सही है, इसलिए इसका आंसर भी डी हो जाएगा।